हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फर्स्ट टाइम मॉम में। अभी तक हमने काफ़ी वीडियो शेयर की है आप सबके साथ, पेरेंटिंग रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड। तो हमने सोचा आज कुछ नया शेयर करते हैं। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है स्टफ़ मैंगो आइसक्रीम, तो हमने कल ही उसको घर पे बनाने के ट्राई की थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। येशा को भी बहुत पसंद आई थी, उसने भी बहुत अच्छे से खाई, हमें भी बहुत पसंद आई। तो हमने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की जाए। तो आज के वीडियो में हम उसकी रेसिपी देखेंगे, हमने जो घर पे बनाई थी वो। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो आप अमूल मिल्क ले लीजिए। अमूल गोल्ड मिल्क हमने लिया है जो कि फुल क्रीम मिल्क है। अब हम इस मिल्क को इस स्टील के पैन में या नॉनस्टिक पैन में ले लेंगे। इसको हम पोर करके हमें उसको गैस पे बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पे। इसको हमें जब तक बॉईल करना है जब तक उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से उसकी क्वांटिटी 75% ना हो जाए। तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है एंड अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें शुगर भी ऐड कर लीजिए। अब हमें हमारे मैंगोज़ रेडी करने हैं। मैंगोज़ का साइज़ बड़ा लीजिए एंड आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतने मैंगोज़ ले लीजिए। अब ये मैंगो को हम उसकी लीड से कट करेंगे, उसकी लीड बनाएंगे। तो इसको आराम से कट कीजिए, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए क्योंकि इस लीड को हम वापस यूज़ करेंगे। तो इसको आराम से कट कर लीजिए। देखिए ऐसे मैंने इसको कट कर लिया है एंड इसको हम साइड पे रख लेंगे वापस, क्योंकि इसको यूज़ करना है। अब ट्रिकी पार्ट है कि हमें इस मैंगो से इसकी गुठली को अलग करना है। तो इसको चारों तरफ से हमें कट कर लेना है एंड गुठली को मैंगो से अलग करना है। तो ये आप संभाल के कीजिए, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा। देखिए मैंने इस गुठली को मैंगो से अलग कर लिया है और आप इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये पल्प को भी मैंने इसके अंदर वापस डाल दिया है, नाइफ से निकाल के गुठली पे जो भी पल्प लगा है उसको वापस डाल दीजिए। एंड बीच बीच में हमें मिल्क को भी चलाते रहना है। हमारा मिल्क उबल रहा है, उसकी क्वांटिटी 75% होनी चाहिए, तब तक हमें उबालना है। अब हमारे मैंगोज़ भी रेडी हैं, हमने 3 मैंगोज़ ऐसे रेडी कर लिए हैं। तो अब हमें इस मैंगोज़ को ऐसे रखना है कि वो स्ट्रेट पोजीशन में रहे। तो आप इसके लिए ऐसे ग्लास या कप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हमने इधर ग्लास लिए हैं जिसके अंदर हम इस मैंगो को रखेंगे और उसके बाद हम जब इसके अंदर हम मिल्क पोर करेंगे तब उसके बाद हम इस लीड से उसको बंद कर लेंगे। तो इसीलिए हमें इस लीड को संभाल के रखना है। अब हमारा मिल्क ऑलमोस्ट हो चुका है, 75% क्वांटिटी हो गई है, ठंडा भी हो गया है। इसके अंदर हमने केसर एंड बादाम का पाउडर डाला था जस्ट फॉर टेस्ट एंड फ्लेवर, तो ये एक अच्छा टेस्ट आता है उससे। अब हम इस मिल्क को धीरे धीरे इस मैंगो के अंदर फिल करेंगे। आप स्पून से भी फिल कर सकते हैं एंड सीधा भी पोर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू आपको कैसे करना है, लेकिन आराम से कीजिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। एंड इसको ऐसा पूरा भर के फिर उसके ऊपर उसका लीड बंद कर दीजिए। ऐसे तीनों मैंगोज को हमें रेडी कर लेना है। अभी इसको हम 6 to 8 hours के लिए फ्रिज में रखेंगे। देखिए हमने 8 hours के बाद इसको बाहर निकाला है फ्रीजर से, बहुत ही ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। तो हम इसको ग्लास से बाहर निकालेंगे, आराम से निकालिए। देखिए ऐसे वो पूरा बाहर निकल जाएगा। अब इसकी लीड को हम निकालेंगे, वो भी आराम से निकालिए, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। अब ये बहुत ही ठंडा होगा तो हमें उसकी स्किन को अच्छे से पील करना है, धीरे से कीजिए, बिल्कुल भी दबाना नहीं है उसको, प्रेशर नहीं देना है।
और देखिए ऐसे हमने पूरा उसको पील कर लिया है। अभी हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे कट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा मिल्क उसके अंदर सेट हो गया है एंड कितनी अच्छी पैटर्न बन रही है। तो हमारा आइसक्रीम रेडी है, कितना अच्छा है, टेस्टी लग रहा है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो कैसी लगी आइसक्रीम? अच्छी बनी थी ना? आप सब भी ट्राई कीजिए एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो उसका पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, फेसबुक पे टैग कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे टैग करना है तो आप हमें फर्स्ट टाइम मॉम 2018 पे टैग कीजिए एंड फेसबुक पे टैग करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है फर्स्ट टाइम मॉम, उधर आप हमें टैग कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो हमें ज़रूर से टैग कीजिए जिससे कि आपके पिक्चर्स हम हमारे हैंडल पे शेयर कर सकें। एंड अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं कि मैं एशिया के लिए ऐसे कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं ऐसे कभी भी कुछ नई चीज़ ट्राई करूँगी तो उसका वीडियो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो मैं वापस आऊँगी विथ न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।